नमस्कार, वीकेबी विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलते हैं हमारे साथ आज की कुछ खास खबरों की ओर। त्रेता युग में वनवास और द्वापर युग में अज्ञातवास, ये हमारे दो शाश्वत ग्रंथों में अहम शब्द हैं। पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द है। विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए भी दोनों शब्द प्रासंगिक हो गए हैं। चुनाव होगा तो किसी एक का हारना तय है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ लग रहा है कि हारने का मतलब राजनीतिक वनवास ही होगा। चुनावी मैदान में तीन उम्मीदवार ही रह गए हैं। भाजपा से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, कांग्रेस से नगर सेवक डॉक्टर रविंद्र उर्फ छोटू भोयर और निर्दलीय मंगेश देशमुख। इनमें से एक का चुनाव होना है। वनवास का प्रयोग हमने इसी संदर्भ में किया है। मुख्य मुकाबला चंद्रशेखर बावनकुले और कांग्रेस से डॉक्टर रविंद्र उर्फ छोटू भोयर के बीच माना जा रहा है। एक ने खुद स्वीकार किया है कि पार्टी की उपेक्षा से कदम उठाया तो दूसरे उम्मीदवार भी एक तरह से हाशिए पर आ गए थे। नियमित जानकारी के अलावा अंदर खाने की खबरों का सच माने तो एक और शब्द सुर्खियों में है और वह है घोड़ा बाजारी। नामांकन वापस लेने के पहले अचानक चर्चा उड़ी कि राजनीतिक दलों में एक मंथन चल रहा है। अचंभा कर देने वाली बात थी। ऐन वक्त पर जब तलवारें म्यान से निकल गई तो मंथन किस उद्देश्य से जारी है, पता चला कि यह खरीद फरोख्त रोकने की कवायद है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि निर्विरोध चुनाव के लिए चर्चा चल रही है क्योंकि इस चुनाव में मतों को खरीदने का प्रयास हो सकता है। जब तीन उम्मीदवार मैदान में उतर ही गए हैं तो निर्विरोध चुनाव कैसे हो सकता है? अगर निर्विरोध की मंशा थी ही अथवा नेताओं की घोड़ाबाजारी को रोकना ही था तो नामांकन वापसी के पहले फैसला कर लेते, दो उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेते तो निर्विरोध चयन हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। पर क्यों? इस क्यों पर अगर हम मंथन करें तो साफ है कि बात नहीं बनी। सवाल ये भी है कि तब आखिर बात किस किस के बीच हो रही थी। मालूम चला कि भाजपा ने कांग्रेस को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य कुछ नेता दिल्ली में थे। सोशल मीडिया पर विविध सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। उन्हीं में से एक ने ये अफवाह उड़ाई। हकीकत तो ये है कि भाजपा हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उसने अपने नगर सेवकों को अज्ञातवास पर भेजने का फैसला तभी ले लिया था जब उम्मीदवारी तय की गई थी। तय ये भी हुआ कि महापौर दयाशंकर तिवारी, भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके सहित कुछ नगर सेवक ही यहां रहेंगे। हुआ भी वैसा ही। भाजपा के नगर सेवकों को पार्टी की ओर से नजरबंद करना शुरू किया गया। आंखों से पट्टी हटी तो किसी ने खुद को मध्य प्रदेश में पाया, तो किसी के सामने उत्तर प्रदेश का विकास था, तो किसी के सामने गुजरात और गोवा के रमणीय स्थल। चार जत्थे बनाए गए थे। इनमें से एक जत्था महिला नगर सेवकों का था। हालांकि महिला नगर सेवकों ने टूर पर नहीं जाने की काफी कोशिशें की, घर के कामों से लेकर क्षेत्र की व्यवस्था गिनाई, लेकिन पार्टी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब परिवार सहित वे भी नगर के बाहर है, संपर्क के साधन छीन लिए गए हैं। ये तो रही भाजपा के नगर सेवकों की बात। कांग्रेस की बात करें तो ऐसी कोई आपाधापी नहीं, न कोई नजरबंद है और न ही किसी को अज्ञातवास में भेजा गया है। दूसरे शब्दों में कांग्रेस को घोड़ा बाजारी का डर नहीं। हालांकि इस चुनाव को लेकर वह भी सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पालक मंत्री नितिन राउत, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक, उमरेड के विधायक राजू पारवी की उपस्थिति में विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी के सकरदरा क्षेत्र स्थित कार्यालय में कांग्रेस की बैठक हुई तो सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने मतदाता संख्या बल पर चर्चा की। मतदाताओं के रुझान, चुनावी रणनीति व पदाधिकारियों को दी जाने वाली जवाबदारी के विषय पर चर्चा हुई। शहर व ग्रामीण कांग्रेस के नगर सेवकों की अलग अलग बैठकें हुई। बाद में मनपा, जिला परिषद व नगर परिषद के सदस्यों को एक होटल में ले जाया गया। उसके बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष के निवास स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष व अन्य नेताओं से चर्चा की गई। कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के नेताओं में अहम सवाल है कि कांग्रेस उम्मीदवार तय करने में किसकी प्रमुख भूमिका रही है। कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन के एक दिन पहले कांग्रेस में प्रवेश लेते समय पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार के प्रति कृतज्ञता जताई थी। पालक मंत्री नितिन राउत ने भी केदार के नेतृत्व की सराहना की थी। लिहाजा समझा जा रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार केदार की पसंद का होगा, लेकिन उम्मीदवार के नामांकन के बाद कांग्रेस नेताओं की पहली बैठक के बाद से ही स्थिति अस्पष्ट हो गई। बताया जाता है कि सकरदरा में कांग्रेस नेताओं की बैठक में उम्मीदवार को लेकर मतभेद सामने आया। राजेंद्र मुलक, प्रफुल्ल गुर्दे जैसे टिकट दावेदारों को दरकिनार किए जाने को लेकर उभरा असंतोष टिकट तय होने के बाद भी कायम रहा। अब सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार कांग्रेस के किस नेता का है। पाला बदलने के दिन कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र भोयर ने शब्द भेदी बाण छोड़े, लेकिन उसके बाद वे खुद खामोश हो गए। रणनीतिकार भी उनकी इस खामोशी और कांग्रेस की निश्चिंतता को भांप नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक उलटफेर के भी कयास है।
लेकिन सब पर्दे में है। पर्दे के पीछे तो खेल ये भी है कि नगर सेवकों के अलावा अन्य निकाय संस्था सदस्यों ने अपने सहयोगियों के माध्यम से दोनों दल के उम्मीदवारों से संपर्क बढ़ाया है। चूंकि फोन कॉल को रिकॉर्ड कराया जा सकता है अथवा बाद में प्रमाण के तौर पर रखा जा सकता है, इसलिए व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। मतलब ऐसा उपाय जिससे काम भी निकल जाए और नाम भी सामने नहीं आए। कांग्रेस, नाकापा, शिवसेना के अलावा अन्य संगठनों के मतदाताओं ने भी अपना संपर्क बढ़ाया है। बात बहती गंगा में हाथ धोने की है, इसीलिए कोई मौका जाने नहीं देना चाहता। सामाजिक संगठनों ने भी एंट्री मारी है जो किसी न किसी रूप में राजनीतिक परपोषी है। दिन करीब देख आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र भोयर के सब्र का बांध टूट गया। मैदान में उतरने के बाद से उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था, इसलिए बिफर पड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त से सीधे भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले की उम्मीदवारी रद्द करने का निवेदन किया। कारण बताया कि भाजपा ने करीब 2000 लोगों को पर्यटन पर भेजा है, इतना खर्च आखिर किया किसने, हिसाब लिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा के अलावा जम्मू कश्मीर के विविध स्थानों पर भेजे गए नगर सेवकों के लिए लग्जरी होटल, रिजॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। सेक्शन 123 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रावधान के अनुसार भाजपा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करना चाहिए। रविंद्र भोयर का ये दावा भी हैरान करने वाला है कि भाजपा के 50 से अधिक नगर सेवक शहर में ही हैं। उन्होंने पर्यटन का न्योता ठुकरा दिया है। अब यहाँ दो बातें हैं, या तो भाजपा की घोड़ाबाजारी का शक जायज है अथवा भाजपा में विरोध की चिंगारी कहीं न कहीं जल रही है। दोनों ही बातें कांग्रेस के पक्ष में और भाजपा के विरोध में है, लेकिन भाजपा ने भी इसकी कांट तैयार कर रखी है। एक प्रमुख नेता ने दावा कर दिया है कि शहर व ग्रामीण क्षेत्र के 50 से अधिक नगर सेवक भाजपा के संपर्क में है। मतलब कांग्रेस खेमे में सेंध की तैयारी। हालांकि कांग्रेस को इसका तनिक भी मलाल नहीं, क्योंकि उसे खोने का डर ही नहीं। अब विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट की चुनावी जंग में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। अब सभी राजनीतिक पंडितों के साथ ही तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं की नजरें इस चुनाव के परिणाम पर लगी हुई हैं। तो ये थी विधान परिषद चुनाव को लेकर बीकेबी न्यूज की खास रिपोर्ट। तो आज के बीकेबी विशेष में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।